हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारे आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, बहुत सारा भाइयों का रिक्वेस्ट था कि इससे पहले जो मैं एक वीडियो लाया था जिसमें आपको कुछ प्रीसेट प्रोवाइड किया था, 10 से ज़्यादा आपको प्रीसेट प्रोवाइड किया था जिसकी मदद से वन क्लिक के अंदर फोटो का एडिटिंग हो जाता था, कलर ग्रेडिंग हो जाता था, तो वो वाला प्रीसेट में क्या हुआ, वो फोटोशॉप का सीसी वर्जन के लिए था जिसमें कैमरा रॉ फिल्टर होगा उसके अंदर ही वो हो सकेगा। बट यहाँ पे अब बहुत सारा भाइयों ने मेरे उस वीडियो पे बहुत बार कमेंट कर चुका है एंड मेरे को पर्सनली भी मैसेज किया है कि वही जो उसका एक डार्क टोन वाला जो फोटो एडिटिंग था, वो वाला फोटो एडिटिंग का प्रीसेट उन लोगों के पास नहीं है, मतलब उन लोगों के पास सीसी वर्जन नहीं है, तो वो 7.0 के अंदर वो वाला एडिटिंग करना चाहते हैं। तो इसलिए वो वाला एडिटिंग जो है मैं लेके आ चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड वीडियो के स्टार्टिंग पे तो ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई चुका हूँ फोटो कैसा पहले था, अब एडिट वगैरह मैंने जब इसमें कर लिया तब कैसा रिजल्ट मेरे को मिल चुका है। तो इस वीडियो के अंदर उसका एक PhD फाइल दूंगा जिस PhD फाइल की मदद से आप ये जो फोटो एडिटिंग है वन क्लिक के अंदर फोटोशॉप 7.0 के अंदर कर सकते हो। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी कि अगर मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरे डेस्कटॉप पे ले जाऊंगा और वहां पे ले जाके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं मेरे डेस्कटॉप पे ले चलता हूं। तो देख सकते हो मैं ये डेस्कटॉप पे आ चुका हूं एंड फोटोशॉप 7.0 जो है वो ऑलरेडी मैं यहां से ओपन कर चुका हूं। आप देख सकते हो इसमें एक मॉडल का 3 फोटो यहां पे ओपन करके रखा हूं। तो चलिए सबसे पहले वाले फोटो से स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं एक लाइट फ्लेक भी ऐड करूंगा तो उसको बाद में आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अभी करना क्या है, जो बैकग्राउंड लेयर आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले इस फोटो का राइट क्लिक करके आपको इस तरह से डुप्लीकेट लेयर बनाना है। तो डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से बैकग्राउंड कॉपी ऐसे बन जाएगा। तो ये डुप्लीकेट लेयर बना लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस फोटो के ऊपर सबसे पहले सिलेक्टिव कलर वाला लेयर लेना है क्योंकि देखो मेरा बैकग्राउंड जो था थोड़ी सी ग्रीन टाइप का है। आप देख सकते हो कुछ ऐसे मैंने फोटोशूट किया था जिसमें ग्रीन टाइप का बैकग्राउंड था। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एडजस्टमेंट आइकन पे जाकर सिलेक्टिव कलर वाला लेयर लूंगा, कुछ ऐसे मेरे को पॉपअप एक आ जाएगा इसका विजर्ड। तो सिंपली यहां से आपको जो कलर है, जैसे मेरे ग्रीन कलर है, इसके लिए ग्रीन कलर मैं चूज कर रहा हूं। आपका कलर अलग भी हो सकता है लेकिन यूजुअली जो फोटो आप शूट करते हो उसका बैकग्राउंड ग्रीन ही होता है। तो उसमें क्या करूंगा, कैन को फुल्ली -100 करूंगा, येलो को फुल्ली -100 करूंगा। कुछ ऐसे स्टेप्स आपको दे देना है, देन करना है ओके। अभी इतना चीजें होने के बाद देखो पहले से ग्रीन कलर जो है वो थोड़ी सी येलोइश टाइप का कलर्स रह गया है और ग्रीन यहां से जा चुका है नियर अबाउट। अभी दोबारा से क्या करना होगा, दोबारा से लेना पड़ेगा सिलेक्टिव कलर वाला लेयर क्योंकि देखो मेरे को इस वाला जो कलर के ऊपर थोड़ी सी और भी थोड़ी सी इफेक्ट डालना है। तो उसके लिए दोबारा से मैं जाऊंगा ग्रीन के ऊपर, सेम टू सेम ग्रीन का कैन को -100, येलो को भी -100 इस तरह से डालूंगा। बट यहां पर एक चीज ऐड करूंगा जो कि येलो कलर को ऐड करूंगा, सिंपली येलो का जो कैन होगा वो फुल्ली -100 कर दूंगा ताकि थोड़ी सी ऑरेंज टाइप का कलर टोन जो है वो मेरे को मिल चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूं, ओके अभी ये वाला लेयर की मदद से देखो थोड़ी सी बहुत ही बढ़िया एक ऑरेंज इफेक्ट टाइप का मिल चुका है मेरे को। स्किन का काम आप बाद में कर सकते हो, मतलब कि यहां पे जितना सारा ग्रुप बनाऊंगा वो सारा का ऊपर मास्क लेके भी बाद में फिक्सेस वगैरह कर सकते हो। तो अभी इतना सारा मैंने कर लिया, देखो सिलेक्टिव कलर वाला लेयर लेने के बाद मैं यहां पे जो काम करने वाला हूं, यहां पे जो ऊपर वाला सन फ्लेक का एरिया है ना, आप नहीं भी रह सकती है तो उसको आपको बढ़िया तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लाइट फ्लेक जो है वो मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हो मैंने यहां से एक लाइट फ्लेक फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लिया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपना वही फोटो के ऊपर और प्लेसमेंट ऊपर में करने के बाद इसका स्क्रीन को इसका जो ब्लेंडिंग मोड है स्क्रीन कर लेना है कुछ ऐसे। एंड स्क्रीन करने के बाद इसको प्लेसमेंट बढ़िया तरीके से कर लो जैसे मैंने यहां से कर चुका हूं, आप देख सकते हो। अभी इतना होने के बाद यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब बारी आ है मॉडी एंड डार्क टाइप का इफेक्ट लाने का। तो मॉडी डार्क टाइप का जो इफेक्ट है वो लाने के लिए आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले कलर बैलेंस वाली लेयर। देखो यहां से कलर बैलेंस में मैं ओनली शैडोज का काम करने वाला हूं। आप अगर फोटोशॉप का सीसी वर्जन आपके पास है, कैमरा रॉ फिल्टर जब आप अप्लाई कर रहे थे तो वहां पे कलर ग्रेडिंग करना पड़ता था। तो कलर ग्रेडिंग इस वाला तो फीचर्स में नहीं होता है फोटोशॉप 7.0 के अंदर, तो इसलिए मैं यहां पे यूज करने वाला हूं शैडोज। जहां पे मैं करूंगा -20 के आसपास यहां पे कैन का करूंगा और यहां से जो मैजेंटा यहां पे होगा इसको भी -20 के आसपास कर लूंगा और यहां से जो येलो होगा ये -15 डाल दूंगा। चलिए -15 यहां से डाल दूंगा और इतना डालने के बाद आप सिंपली कर लेना ओके। अभी देखो यहां से एक इफेक्ट आ चुका है थोड़ी सी डार्क टाइप का मॉडी इफेक्ट यहां पे मेरे बन चुका है। अब जब इस तरह से डार्क मॉडी इफेक्ट टाइप का आपका बन जाएगा तब आपको क्या करना होगा, इतना तक तो आपने समझ लिया होगा। अभी जो काम है यहां से एक थोड़ी सी सिलेक्टिव कलर ले लूंगा क्योंकि यहां पे थोड़ी सी कलर फिक्सेस वगैरह करना पड़ेगा। तो और इस वाला जो सिलेक्टिव कलर के ऊपर मैं लूंगा ब्लू कलर। देखो आपके बैकग्राउंड में ब्लू हो सकता है, मतलब ये जो स्टेप्स मैंने दिखाया इसमें ब्लू आएगा। तो ब्लू को कैसे फिक्स करना है, ब्लू को आपको इसका कैन को फुल्ली 100
करना है, इसका जो मैजेंटा होगा वो यहाँ पे नियर अबाउट -20। आप देख लो -20 डाला, येलो को 100 डाल दूंगा कुछ ऐसे। येलो को 100 करने के बाद मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे जो ब्लूइश जो पार्ट था वो थोड़ी सी एक कैन टाइप का कलर उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगा और इफेक्ट जो है वो बढ़िया आएगा। अभी देखो इतना कर लिया मैंने, अभी यूज़ करूँगा कर्व वाला लेयर। देखो कर्व वाला लेयर की मदद से इसके इसमें अंदर एक इफेक्ट डालूंगा जो कि प्रोफेशनल एडिटिंग के अंदर आपको आ जाती है। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आपको सिंपली जो नीचे वाला हिस्सा है वही आरजीबी चैनल ही रहेगा, थोड़ी सी ऊपर तक आपको इस तरह से ड्रैग करना है और इसको नियर अबाउट ऐसा डालना है और बीच वाला को थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना है ताकि एक इफेक्ट बढ़िया तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट जो है वो आ जाए। देखो कुछ ऐसे मैं डाल रहा हूँ, आप देख लो नियर अबाउट, हाँ इतना नियर अबाउट इतना डालने के बाद अगर ज़्यादा आपका हो गया है तो वो सारा कुछ आप फिक्स कर सकते हो, कुछ ऐसे अमाउंट्स वगैरह डाल के फिक्स कर सकते हो। मैंने करता हूँ ओके। और ये वाला लेयर की वजह से देखो एक बढ़िया एक टोन है वो आ चुका है। अभी इतना होने के बाद मैं यूज़ करूँगा सॉलिड कलर वाला लेयर। यहाँ पे जो मेन काम है वो कलर ग्रेडिंग का। अब यहाँ से सबसे पहले कलर कोड डाल दो, मैं कलर कोड बता रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर कलर कोड भी दिख जाएगा, अदरवाइज आप नोट कर लो। ये जो कलर कोड है 2076 80, ये वाला कलर कोड आप डाल दो, सिंपली कर दो ओके। और इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो आपको कर लेना है सॉफ्ट लाइट। देखो सॉफ्ट लाइट करने के बाद आपको कुछ ऐसे एक मॉडी इफेक्ट जो है वो आपके फोटो के ऊपर आ जाएगा। देखो ये आ जाने के बाद आप एक काम कर सकते हो, ये जिसका सॉफ्ट लाइट जो है इसका ओपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज वगैरह करके अपना फोटो का जो चेंजेस है वो बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ओपेसिटी को 75 के आसपास डाला एंड डालने के बाद फोटो को कितना बढ़िया लग रही है आप देख सकते हो। चलिए सबको ग्रुप बना लेता हूँ ऊपर वाला जितना सारा लेयर्स है, क्योंकि ये ग्रुप बनाने के बाद ही आपको ये सारा कुछ कर पाऊंगा, बाकी जो स्टेप्स मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ये सारे को ड्रैगन टैप किया, इतना हो गया। अब देखो पहले फोटो था कुछ ऐसा, एडिट करने के बाद कैसा रिजल्ट मिला आप खुद देख लो। अब इस ये वाला जो फोटो है इसकी मदद से इस तरह का एक PhD प्रोवाइड कर दूंगा आपको, सेम टू सेम ऐसा PhD मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, वो PhD ओपन करने के बाद कुछ ऐसे आएगा। आप सोचिए सेकंड वाला ये फोटो आपने ओपन कर लिया है, वो PhD के भी ओपन कर लिया है और ये भी ओपन कर लिया है। अभी पहला वाला फोटो जो PhD मैंने प्रोवाइड किया उसको इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिख जाएगा एक लेयर सेट ऑलरेडी बन के रेडी है, इस सेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा मेरे जैसा वो वाला फोटो के ऊपर, सेकंड वाला आप जो फोटो को एडिट करना चाहते हो। देन उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको अगर एक्सपांड करोगे यहाँ पे जो है उसका सनफ्लेक वाला इमेज मिल जाएगा। इस सनफ्लेक वाला इमेज को आप थोड़ी सी रिसाइजेस वगैरह करोगे, किस तरह का अमाउंट्स आपको चाहिए, जितना आपको कलर इफेक्ट वगैरह जितना तक चाहिए आप वो इस तरह से डाल सकते हो। देन आपको वो देखोगे बढ़िया रिजल्ट आपको दे देगा। देखो कुछ ऐसे बढ़िया रिजल्ट आपको दे दिया है। अब तीसरी वाला जो फोटो है इसके ऊपर ट्राई करता हूँ, वहाँ पे ही जाके वो लेयर सेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपना ये वाला फोटो के ऊपर। और करने के बाद देखो वही सनफ्लेक को मैं यूज़ करूँगा, थोड़ी सी इस तरह से आप शिफ्ट दबा के सन को बड़ा छोटा कर सकते हो, तभी आपको जो इसका रेशियो आपका ठीक रहे कि इसको साइजेस बड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सी और भी बड़ा करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी लाइट इफेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए। कुछ ऐसे मैंने डाला, इसका ओपेसिटी को मैं इस वाला पोर्शन पे थोड़ी सी डाउन करूँगा ताकि मेरे को जो इफेक्ट है वो यहाँ पे परफेक्टली मिल जाए। देखो मैं नियर अबाउट 75-80 के आसपास मैं ये परसेंटेज डाल दूंगा। अभी डालने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी नीचे लेकर आ जाऊँगा। चलिए यहाँ पे तो कुछ ऐसे मैंने प्लेसमेंट कर चुका हूँ। अभी पूरा फोटो आप देख लो, पहले था कुछ ऐसा और अभी एडिट करने के बाद रिजल्ट किस तरह का मिल रहा है। तो हर फोटो के अंदर मैंने देखो अप्लाई करके देख लिया, बहुत ही प्रोफेशनल एडिटिंग यहाँ पे हो पाई है ये वाला PhD की मदद से। आप लोगों का PhD का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर डाउनलोड कर लो एंड अपना एडिटिंग खुद कर लो ये वाला सेटअप की मदद से। ओनली फोटोशॉप 7.0 के अंदर ये कर पाओगे, किसी भी फोटोशॉप वर्जन पे ये हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, आप यूज़ कर लो। आशा करता हूँ ये जो एडिटिंग है आप लोगों को पसंद आया होगा, आज का ट्यूटोरियल भी आप लोगों को हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल होती तो जरूर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नए को एडिटिंग के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।